हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है खंड ए है, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं। और इस बुक की इकाई 4 का अध्याय 3, जिसका नाम है भारत और वैश्वीकरण। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा पाठ। हमारे बाजारों में वस्तुओं की बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जो बाजार है उसमें जो बहुत सारी वस्तुएं जो मिलती है ना, कि जैसे बिस्किट मिलते हैं तो उसके हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे ऑप्शन है कि हम पार्ले जी ले, सनफिस्ट ले। तो इस तरीके से मतलब जो विकल्प है ना बहुव्यापी, बहुत सारे जो विकल्प जो उपलब्ध है ना, वो एक नवीन परिघटना है, यानी कि अब उपस्थित होने लगे, पहले ऐसा नहीं था। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। और 2 दशक पहले हमारा जो भारत देश है उसके बाजारों में हमें वस्तुओं की ऐसी विविधता, यानी कि इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की अलग 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 जो वस्तुएं हैं वो हमें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बाजार इतना विकसित नहीं था और कंपनियां इतनी विकसित नहीं थी। तो जो मिलता था हमें वही खरीदना पड़ता था, हमारे पास विकल्प नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे विकल्प है। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। और कुछ ही वर्षों में हमारा जो बाजार है, यानी कि भारत में जो बाजार है वो पूर्णतः परिवर्तित हो गया है, यानी कि बहुत सारे विकल्प हमारे पास उपस्थित होने लगे हैं, हर प्रकार की वस्तुएं हमें मिलने लगी है। और अलग अलग विकल्प अच्छे उपस्थित होने से क्या होता है कि हम मतलब श्रेष्ठ चुन सकते हैं, हमारी इच्छा का चुन सकते हैं। मान लो एक ही प्रकार की कोई वस्तु है बाजार में, एक ही प्रकार का कोई जैसे कोई बुक है एक प्रकार की, तो हमें वही लेनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे मतलब बहुत सारे विकल्प हो गए, बहुत सारी बुकें उपस्थित है, तो हम अलग अलग चुन सकते हैं। उसी प्रकार जैसे साबुन है या पेन है, तो अगर एक ही ब्रांड का होगा, एक ही कंपनी का होगा, तो हमें वही खरीदना पड़ेगा। लेकिन आजकल क्या हो गया, परिवर्तित हो गया हमारा बाजार, हमारे पास विकल्प यानी कि ऑप्शन हमारे पास है कि हम अलग, अगर ये अच्छा नहीं है तो हम दूसरा भी खरीद सकते हैं। हम इस परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं, तो और जो हमारे ये परिवर्तन हुआ है हम किस प्रकार समझ सकते हैं, वो हम इस पाठ में देखेंगे। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन हुए हैं। कि भारत में क्या हुआ, करीब 1991 के प्रारंभ से क्या हुआ है, नीतियों में दूरगामी यानी बहुत दूर दूर तक के बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं या किए गए हैं। विदेश व्यापार एवं विदेश निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया है। और जो विदेश व्यापार क्या होता है कि जो विदेशों से जो व्यापार किया जाता है ना, आसपास के जो देश होते हैं, जो पड़ोसी देश होते हैं हमारे, जैसे कि चीन है और नेपाल, भूटान और भी जो कई देश हैं, उनसे जो व्यापार किया जाता है, उनके बीच में अपनी अपने वस्तुओं का जो आदान प्रदान किया जाता है, उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। और विदेशी निवेश यानी कि विदेशों में निवेश करना, कि हम किसी दूसरे देश में निवेश करें या कोई देश हमारे देश में निवेश करे, तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। तो उस पर से अवरोधों को यानी कि रोकों को काफी हद तक हटा दिया गया है। पहले क्या होता था बच्चों, 1991 के पहले क्या होता था कि ये मतलब इन पर रोक थी, कोई भी देश दूसरे देश में निवेश नहीं कर सकता, अपनी वस्तुओं को नहीं बेच सकता, या फिर बेचता था, आयात निर्यात करता था, तो क्या होता था उसमें बहुत सारा टैक्स लगता था। तो उन अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं का आयात निर्यात यानी कि उनको बेचना और खरीदना सुगमता से या आसानी से किया जा सकता था। और विदेशी कंपनियां, जो विदेश की कंपनियां होती है, जैसे हमारे पड़ोसी देश है चीन है और भी जो कई देश है, उनमें जो कंपनियां स्थित है वो होती है विदेशी कंपनियां, यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। जो विदेशी जो कंपनियां वो अपने देश में भी अपने कार्यालय, जो कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं, जो अपने कारखाने हैं, जो इंडस्ट्रीज है, उनको अपने देश में भी स्थापित कर सकती है और उनको ऑपरेट कर सकती है। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। यानी कि बच्चों, उदारीकरण क्या होता है, जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को, कि व्यापार पे जो अवरोध लगाए हुए हैं, जो रोक लगाए हुए है हुई है, उन प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण। यानी कि जो प्रतिबंध है, जो रोक है, उसको हटा दो व्यापार पर से, विदेशी निवेश पर से, है ना, मतलब उदार कर दो, उदारीकरण, तो वो क्या कहलाएगा, उदारीकरण कहलाएगा। अब देखो, जैसे कोई भी देश हमारे देश में कुछ बेचना चाहता है, जैसे पाकिस्तान कुछ बेचना चाहता है, चीन कुछ बेचना चाहता है, तो उन पे जो रोक लगी हुई है ना, उनको कौन हटाएगा, सरकार द्वारा हटाई जाएगी, हम तो उन्हें हटा नहीं सकते। तो सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि सरकार जिस प्रक्रिया से उन अवरोधों और प्रतिबंधों यानी कि उन रोकों को हटाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदारीकरण के नाम से जाना जाता है।
व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है और व्यापार का यानी कि जो आयात निर्यात होया जो होता है जो व्यापार होता है उसके उदारीकरण से यानी कि उसके प्रतिबंधों को जो हटा दिया गया है उससे व्यवसायियों को यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको मुक्त रूप से यानी कि उसको मतलब फ्रीली या स्वतंत्र रूप से निर्णय यानी कि डिसीजन लेने की अनुमति मिली है और वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं और उनको ये डिसीजन लेने की अनुमति मिल चुकी है, फ्रीली ये माइंड से सोच सकते हैं कि क्या हमें आयात करना है क्या निर्यात करना है यानी कि जो क्या खरीदना है और क्या बेचना है। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और सरकार का क्या होता था पहले 1991 से पहले क्या होता था बहुत मतलब सरकार क्या करती थी बहुत सारी रोक लगी हुई थी तो अब उससे पहले उसकी पहले की तुलना में क्या हुआ अब सरकार कम नियंत्रण करती है और क्या करता उदार कर दी गई मतलब जो विदेशी व्यापार है उसको उसकी अनुमति दे दी है सरकार ने, जो टैक्स वगैरह जो लगते थे वो भी अब कम लगते हैं और इसलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है और इसलिए क्या कहा जाता है इसे अधिक उदार कहा जाता है। छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ, जो छोटे उत्पादक हैं वो मतलब प्रतिस्पर्धा करो या तो उनसे मतलब सामना करो, जैसे कि अगर विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर स्थापित होंगी तो उनके जो टेक्निक है वो अच्छी होंगी तो वो जो सारा उत्पादन वगैरह है वो मतलब कम संसाधनों अच्छी प्रकार से आवंटन करेंगे और कम लागत में उनको बना लेंगे तो हमारे देश को भी हमारे जो देश के जो कारखाने हैं जो छोटे छोटे उत्पादक हैं उनको भी उससे सीख मिलेगी कि या तो आप प्रतिस्पर्धा करो या तो हमारे जो देशवासियों को उसी कंपनी के बराबर या उससे सस्ते मूल्य में वस्तु उपलब्ध कराओ या फिर नष्ट हो जाओ यानी कि खत्म हो जाओ। बैटरी संधारित्र प्लास्टिक खिलौने टायर और डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योग ऐसे ही उदाहरण हैं। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है और क्या हुआ है जो वैश्वीकरण यानी कि जो विश्व का एकीकरण हुआ है, जैसे अगर विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश को भारत ने छूट दे दी उस पर जो रोक लगाई हुई थी उसको हटा दिया है मतलब उदारीकरण कर दिया है तो उससे क्या हुआ है वैश्वीकरण को यानी विश्व के एकीकरण को, सभी देश के जो लोग हैं वे एक दूसरे में आ जा सकते हैं उससे क्या होगा पर्यटन को बढ़ावा मिला है तो उससे क्या हुआ है वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने और जो प्रतिस्पर्धा के जो दबाव है उसने क्या किया श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर दिया है। अब जो श्रमिक लोग हैं ना वो भी उनके जीवन को भी व्यापक रूप से प्रभावित कर दिया है, वो भी अच्छी तनख्वाह कमाना चाहते हैं और अच्छी अच्छी टेक्निकों को अपना रहे हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं और जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा है जो कॉम्पिटिशन हो रहा है उसके कारण अधिकांश नियोक्ता जो नियोक्ता कौन होते हैं जो मतलब उनको श्रमिकों को या मजदूरों को लगाते हैं नियुक्त करते हैं वो होते हैं नियोक्ता, इन दिनों श्रमिकों को मतलब अलग अलग रोजगार पे रखना पसंद करते हैं। पहले क्या होता था 200 रुपये की दिन की दिहाड़ी है तुम्हारी 200 रुपये में तुम काम करोगे, लेकिन अब क्या हो रहा है जो वैश्वीकरण हो रहा है जो बढ़ती जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ती जा रही है तो मतलब जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छे पैसे, जो बुरा काम करेगा थोड़ा कम काम करेगा उसे कम पैसे, यानी कि जो नियोक्ता जो नियुक्त करने वाले उनको मतलब पेमेंट देने में रोजगार देने में लचीलापन पसंद है। इसका अर्थ है कि श्रमिकों को रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है और इसका अर्थ क्या है कि अब श्रमिकों को जो मजदूर हैं उनका रोजगार सुनिश्चित नहीं है मतलब उनकी एक फिक्स नहीं है उनको मतलब काम के अनुसार पैसा मिलने लगा है। वैश्वीकरण ने कुछ भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया और वैश्वीकरण यानी कि विश्व का एकीकरण है उससे क्या हुआ कुछ भारतीय जो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग बनाया है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है जो बहुत सारे देशों में स्थित होती है या फिर एक जगह उसका कार्यालय होता है लेकिन इसकी जो शाखाएं होती है वो बहुत सारे देशों में होती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का योग्य बनाया है। यानी कि भारतीय जो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना उनको भी है ना बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में यानी कि अलग अलग देश में अपने अपना बिजनेस चलाने इनका मौका भी दिया है। वैश्वीकरण होगा तो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश बढ़ेगा तो जो भारत की जो कंपनियां हैं ना बड़ी बड़ी वो भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी निवेश या व्यापार कर सकती हैं उसके योग्य बन चुकी हैं। टाटा मोटर्स जैसे कि टाटा मोटर्स का नाम आप सबने सुना होगा तो ये मोटर गाड़ियाँ बनाती है और इसकी मोटर गाड़ियाँ यहाँ पे ही नहीं विदेशों में भी बिकती है। इन्फोसिस आईटी कंपनी तो ये भी मतलब विदेशों में भी इसका बहुत बोलबाला है। रेनबेक्सी दवाइयाँ जो दवाइयाँ बनाई जाती है जिस रेनबेक्सी नाम की जो कंपनी वो दवाइयाँ बनाती है और उसकी दवाइयाँ इंडिया में ही नहीं भारत में भी बिकती है मतलब भारत से बाहर भी बिकती है और ये बहुत फेमस हो चुकी है। एशियन पेंट्स ये कंपनी जो एशियन पेंट है वो मतलब भारत से बाहर भी विकसित हो मतलब इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है इसके व्यापार का इसके बिजनेस का। सुंदरम फर्शनर्स
नट और बोल्ट की जो कंपनी है वो भी दूसरे देशों में विकसित हो चुकी है। कुछ ऐसे भारतीय कंपनियां हैं जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग बन चुकी हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। और वैश्वीकरण यानी विश्व के एकीकरण ने क्या किया है, सेवा प्रदत्त कंपनियां जो दूसरी जो कंपनियां होती है ना जो सेवा देती है सूचना और संचार जैसे कि इंटरनेट वगैरह जो तकनीकी वाली जो रिलेटेड होती है ना, उन कंपनियों को नए अवसर प्रदान किए। क्योंकि अगर विश्व का एकीकरण होगा तो वो अपने जो चीज़ें हैं, जो अपने संचार जो सूचना प्रणाली है, जो प्रौद्योगिकी है ना, उसको अपने ही देश में नहीं दूसरे देशों में भी आयात निर्यात कर सकते हैं, जिससे कि कंपनियों को या जो उनके ऑनर है उसको फायदा होगा। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। और जो भारतीय कंपनी द्वारा क्या होता है, लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन, जो लंदन में स्थित कंपनी है उसके लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। अंतर्देशीय उत्पादन, बच्चों अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है, यानी कि अपने देश में ही उत्पादन करना क्या होता है, अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं तक ही सीमित था। यानी कि 20वीं शताब्दी तक क्या होता था कि जो उत्पादन होता था वो कहाँ तक होता था, वो देश की सीमा के अंदर ही हो सकता था। यानी कि कोई भी देश है ना वो मतलब बाहर कोई चीजें वस्तु अपने उत्पादन अपने प्रोडक्ट बेच या खरीद नहीं सकता था। इन देशों की सीमाओं को लागने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। और इन सीमाओं को जो लांघता था, यानी कि इन सीमाओं के बाहर जो वस्तुएं बेची जाती थी वे सिर्फ कच्चा माल होता था, खाने पीने के जो खाद्य पदार्थ होते थे और तैयार उत्पाद ही होते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ है, आज के ज़माने में क्या हुआ है कि सारी चीज़ें बेची जा सकती है। कोई छोटी से छोटी अगर कोई नट बोल्ट की भी कंपनी है तो अगर वो अपना माल बाहर बेचना चाहे तो वो भी बेच सकती है, उसका आयात निर्यात कर सकती है। छोटी से छोटी चीज़ का, हर किसी हर प्रकार की चीज़ का आयात निर्यात बाहर से होने लगा है। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे। और भारत जैसे जो देश है ना उनसे क्या होता था, पहले क्या होता था, कच्चा माल या खाद्य पदार्थ जो खाने पीने की चीज़ें होती थी वही बाहर बेची जाती थी और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। और क्या होता था, खाद्य पदार्थ और कच्चा माल तो बेचा जाता था और तैयार वस्तुएं थी वो खरीदी जाती थी। निर्यात यानी होता है बच्चों बेचना और आयात यानी होता है खरीदना। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। और व्यापार ही यानी कि ट्रेड ही एकमात्र ऐसा साधन था जिससे दूसरे जो दूरस्थ जो देश थे, यानी कि जो दूर दूर जो देश थे उनसे क्या था, दूर दूर जो देश है उनसे व्यापार को व्यापार से क्या होता था, आपस में जुड़ते थे, मतलब आपस में उनका व्यवहार बढ़ता था। कुछ चीज़ें एक दूसरे देश की खरीद रहे हैं तो वही एक साधन था, व्यापार ही एक साधन था देशों को दूरस्थ देशों में यानी दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां उभरने से पहले का युग था। और जो ये अंतर्देशीय जो उत्पादन के जो युग हैं वो जो मतलब 20वीं शताब्दी से पहले इस प्रकार का जो सीमाओं के अंदर ही जो व्यापार सीमित था, ये कब तक का युग है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उभरने से पहले का ही युग है। यानी कि उससे पहले ये इस तरीके का व्यापार होता रहा था। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, और जो विश्व भर में यानी कि जो पूरे विश्व में जो उत्पादन हो रहा है उसको एक दूसरे देश में बेचना, आयात निर्यात करना, या फिर विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और ये किसने करा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायता से क्या हुआ है कि जो हमारे देश के उत्पादन है, जो प्रोडक्ट है वो हम दूसरे देश में बेच पा रहे हैं, छोटे से छोटा और बड़ा सा बड़ा जो उत्पाद है वो हम दूसरे देशों में बेच पा रहे हैं, और जो हमें ज़रूरत है जो बड़े जो कोई छोटी से छोटी चीज़ की वो दूसरे देशों से हम खरीद पा रहे हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है, वह जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है कि वह एक से अधिक यानी सिर्फ एक देश में नहीं बहुत सारे देशों में उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन और प्रोडक्शन पर जो प्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा है वो अपना नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। यानी कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उसका कार्यालय कहीं पे भी स्थित हो किसी भी देश में, लेकिन क्या उसके बहुत जगह उसकी शाखाएं हो और उत्पादन के वह बहुत सारी कंपनियों में अपना मतलब बहुत सारी कंपनियां उसकी स्थापित हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी की बहुत सारी शाखाएं उसकी हो वहाँ पे और वह उन शाखाओं पर अपना नियंत्रण रखे, वह क्या होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहाँ उन्हें
मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो कहाँ पर अपने कार्यालय स्थापित करती है, कहाँ पर वो अपने जो कारखाने वो स्थापित करना पसंद करती है। सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हो, जहाँ पर क्या हो, सस्ता श्रम हो, यानी कि उनको मजदूर जो है वो सस्ती रेट में मिल जाए, वहां पर स्थापित करना चाहेगी। मान लो वो कई अच्छी जगह है, वहां पर जाके उसने बिजनेस या अपनी फैक्ट्री लगा दी, लेकिन क्या हो गया, वहां पर मजदूर तो बहुत महंगे हैं, तो इतनी तो उनकी लागत नहीं निकल रही, इतनी लागत लग रही है, उससे ज्यादा तो उनके मजदूरों को उनको देना पड़ा है, तो वो घाटा क्यों बर्दाश्त करेगी। तो वहां पर लगाती है जहां पर सस्ता श्रम हो और अन्य संसाधन, यानी कि पानी हो, जैसे कोई बिजनेस है, कोई बिस्किट का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए उसे पानी आटा वगैरह सब चाहिए होंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहां पर अपने कारखाने स्थापित बनाना पसंद करती है, जहां पर सस्ता श्रम हो, यानी कि सस्ती मजदूरी हो और अन्य संसाधन भी मिल सकते हो, सारे संसाधन वहां पर उपलब्ध हो, जो बाहर के नजदीक, जो बाजार के नजदीक हो। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहां पर स्थापित अपने कारखाने स्थापित करना पसंद करेगी, जहां पर बाजार नजदीक हो, यानी बाजार के लिए उसे ज्यादा पैसा परिवहन पर खर्च ना करना पड़ रहा हो, यानी कि बाजार नजदीक हो, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। और यहाँ पर मतलब कम लागत पर कम कॉस्ट पर क्या हो, कुशल और अकुशल, यानी कि बहुत अच्छा और कुछ कम अच्छा श्रम उपलब्ध हो, जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, और जो उत्पादन के जो अन्य कारक है, यानी कि जो और भी चीजें होती हैं, जो परिवहन वगैरह है, वो अच्छी तरीके से उपलब्ध हो या सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है, और साथ ही क्या होता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना, वो दूसरे देशों में अपनी कारखाने स्थापित करने से पहले क्या करती है, वहां की सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है। मान लो उसने लगा दी है वहां पे, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा वसूल कर रही है, तो वो क्या करती है, उन पर भी नजर रखती है कि इस देश में कोई टैक्स वैक्स तो ज्यादा नहीं है, कोई नीति तो ऐसी लागू नहीं कर रखी जिससे हमें हानि हो, तो वे क्या करती है, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सभी देशों में अपनी सुविधा देखते हुए अपने कारखाने उस देश में स्थापित करती है। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसा क्यों करती है, मतलब कम लागत पे संसाधन उपलब्ध करवाती है और सरकार की नीतियों पर ध्यान रखती है और कम मजदूरी पे श्रमिक को रखती है, ऐसा क्यों करती है, वो ऐसा लाभ कमाने के लिए करती है, पैसा अर्न करने के लिए ऐसा करती है कि उसे कम, उसके उत्पादन में तो उसे कम लागत हो लेकिन लाभ वह अधिक कमा सके। जैसे कि 20 रुपए की कोई चीज उसने बना ली, 20 रुपए की चीज उसने बना ली, उसको बनाने में कितना खर्चा आ गया, 50 रुपए का खर्चा आ गया मजदूर को काट के, तो वो क्या करेगी, फिर उसमें 20 रुपए अपने लाभ को भी ऐड करेगी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसा क्यों करती है, लाभ कमाने के लिए ऐसा करती है। निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या है, परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। कि कई देश जो क्या कहते हैं, परिसंपत्ति यानी कि जमीन, जैसे कि भूमि, भवन, मनी, मशीन, हम व्यापार कैसे करते हैं, हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, हमें वहाँ पे मजदूर भी होने चाहिए, मशीनें भी होनी चाहिए, सारी तकनीकी भी होनी चाहिए, सारे उपकरण भी होने चाहिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, ऐसी चीजों में निवेश करती है, यानी कि ऐसी चीजों को खरीद लेती है, ऐसी चीजों में व्यय कर देती है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको मुद्रा को निवेश कहते हैं, जो व्यय की गई मुद्रा होती है उसको निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो निवेश करती है ना, जो इन्वेस्टमेंट करती है, उसको विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश, देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, उनका हेड ऑफिस कहाँ है, विदेश में स्थित है, और लेकिन उसकी ब्रांचेस जो है, उसकी कई कारखाने का जो स्थित है, उनको वहां से वो कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो कहाँ पर स्थित है, दूसरे देशों में स्थित है। तो वो जो वहां पर निवेश करते हैं ना अपने देशों में, तो उनको क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, और जो विदेशी व्यापार है, यानी कि जो देश विदेश से, जो दूसरे देशों से जो व्यापार किया जा रहा है, और जो बाजारों का करण, जो मतलब बहुत सारे देशों में व्यापार किया जा रहा है, तो उनके बाजारों का एकीकरण किस प्रकार हुआ है, ये क्या है। विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है, और विदेशी जो व्यापार हो रहा है, यानी कि जो ट्रेड हो रहा है, विदेशी जो मतलब देश विदेश, यानी एक दूसरे देश के बीच में जो व्यापार हो रहा है, उसके बुनियादी कार्य क्या है, यानी कि उसके आधारभूत कार्य क्या क्या है। सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में बस पहुंचने के उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। और विदेशी जो व्यापार है, वो क्या करता है कि अपनी जो वस्तुएं होती है ना, उनको बाजारों में उपस्थित कर देगा, और दूसरे देशों की बाजार वस्तु भी वहां पर उपस्थित होंगी, तो एक दूसरे के आदान प्रदान हो जाएंगे उनके बीच में, समझ रहे हो। तो हमारे लिए भी, वो हमारी भी जरूरत पूरी हो जाएगी और उनकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी, और एक बाजार भी बना रहेगा जिससे दोनों ही देशों को फायदा होगा। दोनों ही नहीं, बहुत सारे जो देश है, जो विदेशी व्यापार कर रहे हैं, जो एक दूसरे देशों को अपनी वस्तुएं आयात निर्यात कर रहे हैं, उन सबको फायदा होगा।
और क्या होगा जो मतलब बाजारों के गिरन जो अब सिर्फ मतलब कई बार क्या होता है कि कई देश अपने ही देशों में व्यापार करते हैं, अपने ही देशों में अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं, तो उनको क्या मौका मिलेगा अपनी वस्तुओं को बाहर के देशों में यानी कि दूसरे देशों में बेचने का भी अवसर या निर्यात करने का भी अवसर उन्हें मिलेगा। दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का भी विस्तार होता है। और क्या होगा कि जो 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 उपभोक्ता है जिनको वस्तुओं की आवश्यकता है उनको क्या होगा, वे अगर अपनी देश की वस्तुएं खरीदते हैं तो उनको अपने जो घरेलू जो उनको सस्ती या महंगी किसी प्रकार की भी होगी लेकिन उनको नीड है, उनकी आधारभूत वस्तुएं तो खरीदनी होंगी। लेकिन अगर बाजार को बढ़ावा दिया जाएगा ना तो दूसरे देश के जब उत्पाद हमारे देश में बिकने लगेंगे तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प होंगे, बहुत सारे मतलब ऑप्शन होंगे, तो अगर हमें ये पसंद नहीं आई, हमारे देश की बनी हुई वस्तु पसंद नहीं आई, तो हम जो दूसरे देश की जो वस्तु आ रही है ना जो सस्ती मूल्य पर हमें मिल रही है हमें उन्हें भी हम खरीद सकते हैं, जिससे कि हमारे जो पैसे हैं वो फालतू नहीं जाएंगे, हमारा खर्चा भी कम होगा और हमें अच्छी या श्रेष्ठ वस्तु मिल पाएगी। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है, और जो जब बाजार एक हो जाएंगे सभी देशों के वस्तुएं एक दूसरे देशों में बिकने लगेगी तो क्या होगा, वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होगा, यानी कि वस्तुएं एक दूसरे बाजार में आती चलती फिरती रहेगी। जैसे कि अपन ने यहाँ पे कच्चा माल बेच दिया, वो कच्चा माल बिस्किट बनेगा, बिस्किट दूसरे देश में जाएगा, दूसरे देश खरीद के उसे दूसरे देश में बेचेगा, तो उसका आवागमन यानी कि वो आने जाने का उसका होता रहेगा। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाएंगे, और बाजार में क्या होगा वस्तुओं के विकल्प यानी कि ऑप्शन बढ़ जाएंगे। मान लो एक देश ने बिस्किट बना लिया, उसके उसको देखकर दूसरा देश बिस्किट बनाएगा, फिर वो एक एक या उसको कम प्राइस रखेगा, तो क्या होगा अगर वो अच्छा है श्रेष्ठ है तो हम जो कम वाला खरीदेंगे ना तो उससे क्या होगा, उससे कम वाला खरीदेंगे तो उपभोक्ता को फायदा होगा, फिर कोई तीसरी कंपनी और बनाएगी तो क्या होगा वस्तुओं के विकल्प ऑप्शन बढ़ जाते हैं। जब बाजार में बहुत सारी वस्तुएं उपस्थित होती है ना तो हम अपने अनुसार भी खरीद सकते हैं, जैसे हमारे पास पैसे कम है तो हम कम वाला खरीद लेंगे, और मान लो विकल्प ही नहीं है तो हमें क्या होगा वही खरीदना पड़ेगा, तो इसलिए क्या होगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या हुआ है बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़े हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है, और दो बाजारों में क्या होता है एक ही वस्तु का मूल्य समान होने लगता है। मान लो कोई पार्ले जी बिस्किट है तो ठीक है वो ₹5 में बेच रहा है, तो क्या होगा दूसरी जो देश की कंपनी है ना अगर कोई बिस्किट बना रही है तो वो है ना मूल्य ज्यादा नहीं रखेगी, उसके बराबर ही रखेगी ताकि लोग उसे खरीदे, तो क्या होगा एक जैसे दो प्रोडक्ट भी हमें मिलने लगते हैं। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, और यानी कि जो दो देश है मान लो कि दो देश है उनके जो उत्पादक है ना मान लो दो देश एक बिस्किट का वो उत्पादन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, लेकिन हजारों मील दूर रहकर भी उनका उनकी चीज़ें बाजार में आएंगी, वो पता नहीं कौन कौन उनको खरीदेगा, लेकिन फिर भी उसकी प्रतिस्पर्धा तो हो रही है, उनके बीच में कंपटीशन तो हो रहा है कि मान लो लोग उसकी ज़्यादा खरीद रहे हैं उसकी कम खरीद रहे हैं तो उनको पता चल रहा है, यानी कि दूर रहकर भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे या हो रहे हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है, और इस प्रकार क्या होता है विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। वैश्वीकरण क्या है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है, यानी कि विभिन्न देशों के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहे हैं जो व्यापार हो रहा है जिनसे जो व्यापार हो रहा है ना उनसे उनके बीच में संबंध बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है ना वो क्या कहलाती है वैश्वीकरण, यानी कि विश्व के जो प्रत्येक देश है ना वो एक दूसरे से मिलकर कार्य करने लगे, उनके बीच में संबंध स्थापित होने लगे ना वो क्या कहलाता है वैश्वीकरण, यानी कि विश्व का एकीकरण ही विश्व वैश्वीकरण कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। इसका अर्थ ये है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना वो विभिन्न देशों में उनकी जो शाखाएं हैं वो उपस्थित हैं, उसके कारण क्या हो रहा है वो अपनी वस्तुओं को आपस में बेच पा रहे हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भूमिका निभा रही है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है, यानी कि उनके बढ़ा रही है, ये विश्व के एकीकरण में सहायता कर रही है या सहायक है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है, और विभिन्न देशों में क्या हो रहा है बहुत से अधिक वस्तुएं यानी कि बहुत ज़्यादा वस्तुएं बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा वस्तुएं बिक रही हैं, जैसे कि हमारे पास जिसके कारण क्या हो रहा है हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, सेवाओं में भी विकल्प है, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे कि फ़ोन है, जैसे कि कोई एक कंपनी फ़ोन बना रही है, जैसे कि ओप्पो आ गया, वीवो आ गया, और मान लो एक ओप्पो का ही फ़ोन होता या सैमसंग का ही फ़ोन होता या नोकिया का ही फ़ोन होता तो हमें एक ही फ़ोन खरीदना पड़ता, मान लो जैसे नोकिया का है तो नोकिया का ही हमें खरीदना पड़ता, लेकिन अब जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है ना तो हम क्या करेंगे जो सबसे श्रेष्ठ है जो हमें बेस्ट लगता है हमारी चॉइस के अनुसार हम उसे खरीद सकते हैं।
वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया उत्प्रेरित किया है। तो वैश्वीकरण की जो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति हुई है वह मुख्य कारक है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है, इसने लंबी दूरियों तथा वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। पहले में क्या होता था बच्चों की जैसे हमारे देश में कोई उत्पादन हो रहा ना, उसे बेचने के लिए हमारे पास साधन ही नहीं थे, परिवहन के साधन नहीं थे। जो थी वो जैसे पुराने जमाने की ट्रेनें वगैरह थी उनके अनुसार हमें उन्हें बेचना या खरीदना पड़ता था। तो अब के जमाने में क्या हुआ है, जो प्रौद्योगिकी है ना उसने ना सब सारी लंबी दूरियों को खत्म कर दिया। हम ऑनलाइन भी कोई चीज़ खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी हम बातें कर सकते हैं, ऑनलाइन अपनी चीज़ों को हम बेच सकते हैं और ऑनलाइन हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी ने क्या किया है, इन दूरियों को खत्म कर दिया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, और जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वो हमारे किस काम में आती है, वो किस प्रकार उपयोगी है विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने में, यानी हम विश्व में पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी उपस्थित है ना तो उससे हम बात कर सकते हैं, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने में। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से क्या है, हमें जो सूचनाएं होती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है कई बार वो हमें जल्दी से तुरंत प्राप्त हो सकती है, यानी कि हमें वो तत्काल प्राप्त करने में सहायक है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की। दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग की जाता है, और जो दूर के जो क्षेत्र हैं उनसे संवाद करने में, उनसे कॉन्फ्रेंस करने में हमें प्रयोग में लेते हैं या इसका उपयोग करते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, विश्व व्यापार संगठन WTO इसकी स्थापना कब हुई, 1995 में। एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, और जो WTO है उसका उद्देश्य क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, कि जो देश विदेश में जो व्यापार होता है ना उसको उदार बनाना है, यानी कि उस पर जो लगी हुई जो रोके हैं ना, जो प्रतिरोध है जैसे किसी प्रकार का टैक्स या किसी प्रकार की रोके हैं उनको हटाना, यानी कि उसका उदारीकरण करना। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। और ये पता है क्या हुआ, WTO किसने शुरू किया था, विकसित देशों की पहल पर, यानी कि जो विकसित देश है ना जैसे अमेरिका है, ऐसे देशों पर शुरू किया गया व्यापार से संबंधित नियमों को। और ये मतलब विकसित देश जो विकसित अमेरिका जैसे जो महाशक्ति है ना उनकी जैसे उन देशों की पहल पर इसे शुरू किया है, और अब ये व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। और ये क्या करता है, व्यापार से संबंधित जो नियम है ना उनको निर्धारित करता है, ये देखता है कि इन नियमों को पालन हो, और ये देखता है कि इन नियमों को पालन हो, यानी कि WTO क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, उन्हें बनाता है, और ये चाहता है कि सभी देश जो हैं जो कि व्यापार कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में वो क्या करें, उनका पालन करें, उन नियमों को ना तोड़े, यानी कि किसी देश के साथ जैसे कोई देश दूसरे देश में अपनी वस्तु बेच रहा है तो उसके साथ धोखाधड़ी ना करे, उसने जो मूल्य लिया है उसकी समान उसे वस्तु दे। जुलाई 2016 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व के लगभग 165 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। और जुलाई 2016 में जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार क्या हुआ है कि विश्व के लगभग 165 देश विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है, और जो विश्व व्यापार संगठन है ना जो WTO उनके नियमों ने उनके रूल्स ने क्या किया है, विकासशील देशों के व्यापार जैसे विकासशील देश जैसे भारत है ना जो अभी विकास कर रहा है, मतलब जो धीरे धीरे उसकी विकास में वृद्धि हो रही है, उन देशों को भी क्या किया है, अपने जो उनके अवरोध है उन पर जो रोके लगा रखी है ना व्यापार पे, यानी कि वस्तुओं का आयात निर्यात जो व्यापार पे रोक लगा रखी है ना उनको हटाने पर विवश कर दिया है WTO ने, कि देखो विकसित देश इस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं उनको कोई हानि नहीं उनको लाभ हुआ है, तो उनके नियमों ने क्या किया है विकासशील देशों को अवरोधों को जो उनकी रोक है उनके जो प्रतिरोध है उनको हटाने के लिए विवश किया है, इनकी मजबूर किया है कि आप भी इन रोकों को हटाओ, जो विकासशील देश है वह भी अपने रोकों को हटाए। बच्चों इस पार्ट में हमने देखा भारत और वैश्वीकरण पार्ट के कुछ टॉपिक, अब हम अगले पार्ट में देखेंगे इसके कुछ बचे हुए टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।